किसी होने वाली ब्राइड ने क्या खूब कहा है कि अगर आपका मांगटीका आपके फेस पर खिल नहीं रहा है तो बाकी सब ज्वेलरी का होना ना होना एक बराबर बात है। और यकीन मानिए, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस में मैंने देखा है कि ऐसी ब्राइड जो इस बात पे गौर करती हैं कि उनका मांगटीका उनके फेस स्ट्रक्चर या उनके फोरहेड टाइप के हिसाब से अगर खिल रहा है तो वही ब्राइड्स अपनी शादी के दिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। हमने अपने पिछले वीडियोस में समझा था कि आपके फेस का शेप टोटल 5 टाइप्स का हो सकता है और आपका फोरहेड भी शॉर्ट या ब्रॉड हो सकता है। इन सभी कॉम्बिनेशंस के हिसाब से कौन से मांगटीके के स्टाइल्स आपके ऊपर सबसे ज़्यादा खिल के आएंगे, यही हम इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे। वेल, मैं हूँ सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। आप में से सभी लड़कियों के लाइफ में एक न एक बार ये सवाल जरूर आता है कि आपके फेस स्ट्रक्चर या आपके फोरहेड के हिसाब से बेस्ट मांगटीका स्टाइल कौन सा रहेगा। हमने अपने पिछले वीडियो में, जिसका कि लिंक यहाँ ऊपर दिया हुआ है, उसमें ये समझा था कि टोटल शेप ऑफ फेस 5 हो सकते हैं, राउंड शेप, हार्ट शेप, स्क्वायर शेप, ओवल शेप या फिर डायमंड शेप। नाउ टोटल ये 5 हुए। अब आपका फोरहेड स्ट्रक्चर या तो शॉर्ट होगा या ब्रॉड होगा। अभी 5 × 2 टोटल 10 टाइप्स हो चुके हैं। अगर हम 10 केस स्टडीज के हिसाब से समझेंगे तो रॉकेट साइंस थोड़ी बनाना है। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फेस स्ट्रक्चर को 2 मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। एक होगा स्मॉल फेस स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपका राउंड फेस आएगा, हार्ट शेप फेस आएगा और स्क्वायर शेप आएगा, और लॉन्ग फेसेस में आपका ओवल या फिर डायमंड शेप आएगा, और फोरहेड आपके 2 स्ट्रक्चर रहेंगे, या तो शॉर्ट रहेगा या ब्रॉड रहेगा। सो टोटल केसेस अब बनते हैं 4। आइए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। आइए पहले हम कवर कर लेते हैं स्मॉल फेसेस के बारे में। जब मैं स्मॉल फेसेस की बात कर रहा हूँ तो उसमें आपका राउंड फेस भी आएगा, हार्ट शेप फेस भी आएगा और आपका स्क्वायर शेप फेस भी आएगा। अगर कोई अलग सी बात होगी तो मैं आपको स्मॉल फेस का केस स्टडी खत्म करने के बाद अलग से बता दूंगा। हम हर केस स्टडी के पहले एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल समझ लेंगे, क्योंकि अगर वो बेसिक प्रिंसिपल को दिमाग में रखा तो आपको बहुत आसानी होगी अपना मांगटीका अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से सिलेक्ट करने में। तो पहला केस लेते हैं कि अगर आपका फेस स्ट्रक्चर स्मॉल है और आपका फोरहेड भी स्मॉल है। अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है जो हमें ध्यान रखना है कि हमारा फेस ऑलरेडी राउंड है, तो हमें ऐसी कोई भी चीज़ कैरी नहीं करनी है जिससे कि राउंड शेप जो है और एक्सेंचुएट हो, यानी और राउंड के ऊपर राउंड ना पहन लें। हमारा फोरहेड जो है स्मॉल है, तो हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पहननी है जिससे कि हमारा रहा सहा फोरहेड ढक जाए। वेल, पहला स्टाइल जो कि मैं रिकमेंड करना चाहूँगा स्मॉल फेस और स्मॉल फोरहेड वालों के लिए, वो है स्मॉल पेंडेंट स्टाइल मांगटीका। किसी भी छोटे टिकड़े का मांगटीका सिलेक्ट कर लीजिए। कोशिश करिए कि उसका शेप राउंड ना हो, कोई एंगुलर शेप हो छोटा सा या स्लीक सा लॉन्ग हो, दैट विल सूट बेटर, क्योंकि हम चाहते हैं कि फोकस हमारे फोरहेड से हट के नेकलेस पे जाए, इयररिंग पे जाए, दैट इज़ मच बेटर। सेकेंड है स्टाइल जो कि आप कह सकते हैं कि हमें माथा पट्टी भी पहननी है। इन दैट केस मांगटीका कोई स्मॉल सा ही सिलेक्ट करें अपने, जैसे मैंने प्रीवियस केस में बताया, और माथा पट्टी की स्टाइलिंग ऐसे करें कि वो आपके फोरहेड के ऊपर से होकर ना जाए, वो आपके हेयरडू के ऊपर से जाए तो मच बेटर। थर्ड स्टाइलिंग जो कि बहुत ही रेगुलर है और आप मुझसे कह सकते हैं कि भाई हमें राउंड बिग मांगटीका पहनना है और साथ में हैवी माथा पट्टी भी पहननी है, उस केस में आपके फेस को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। फेस लंबा कैसे होगा? कुछ खास नहीं करना है, अपने हेयर स्टाइलिस्ट को बोलिए कि आपके हेयर में थोड़ा सा बाउंस ऐड कर दें, उससे आपके फेस का ओवरऑल प्रोजेक्शन थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप माथा पट्टी आसानी से कैरी कर पाएंगे। फिर भी ध्यान ये रखिए कि मांगटीके को थोड़ा सा ऊपर खींच के टक करिए ताकि आपका फोरहेड का पार्ट विजिबल हो, और माथा पट्टी की स्टाइलिंग अगेन कोशिश करिए कि आप जितना अपने हेयरडू के ऊपर रख सकते हैं उतना बेहतर रहेगा। चौथा स्टाइल जो कि बहुत पॉपुलर है इन दिनों, वो है बोर्डला स्टाइल, जो यहाँ राउंड सा बड़ा सा होता है, राजस्थानी लुक में आपने देखा होगा। ये बहुत ही पॉपुलर है और आप इसको स्टाइलाइज करना चाहते हैं तो साथ में पतली पतली पर्ल की चेन साइड में एज माथा पट्टी ऐड कर सकते हैं। अगेन कोशिश करिए कि आपके फोरहेड को कवर ना करें। पांचवा स्टाइल भी बहुत एलिगेंट स्टाइल है। इसमें आप एक छोटा सा मांगटीका ले सकते हैं और साइड में एक एलिगेंट सा छपका ऐड कर सकते हैं। मांगटीका अगेन कोशिश करिए छोटा हो, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा
एलिगेंट सा छपका सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपका हेयर बहुत अच्छे से एक्सेसराइज भी हो जाएगा और फोकस आपके फोरहेड से दूर भी चला जाएगा। सेकेंड केस लेते हैं जहां पर आपका फेस अभी भी स्मॉल है और आपका फोरहेड हो गया है ब्रॉड, राइट। अंडरलाइंग प्रिंसिपल अभी भी सेम रहेगा ऑलमोस्ट। आपका फेस अभी स्मॉल है तो हम बहुत बड़े मांग टीका या कम्प्लीटली राउंड शेप मांग टीके पे नहीं जाएंगे, और चूंकि आपके फोरहेड में थोड़ी जगह मिल गई है तो हम स्टाइलिंग के साथ थोड़ा प्ले कर सकते हैं। जो पहला स्टाइल मैं रिकमेंड करूंगा वो है मून शेप मांग टीका या चांद शेप मांग टीका भी जिसे हम कहते हैं। ये कम्प्लीटली राउंड नहीं होते हैं, थोड़े से एंगुलर कट में आते हैं, तो ये आपके चेहरे पे खिल के आएगा। सेकेंड स्टाइल में आप एक लाइट माथा पट्टी और एक लाइट मांग टीका का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। स्लीक सा कोई मांग टीका, पतला सा मांग टीका लीजिए जिसमें सिंगल लाइन माथा पट्टी साइड में आती हो, क्योंकि आपके फोरहेड में जगह है सो ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा। थर्ड है जो कि बहुत ही कंटेम्प्रेरी लुक भी देगा आपको, वो है वन साइडेड माथा पट्टी। एक छोटा मांग टीका लीजिए और उसमें वन साइडेड माथा पट्टी की एक्सेसराइजेशन कर दीजिए, विल लुक मच बेटर। फोर्थ लुक है अगर आप मांग टीका और छपके का कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहते हैं। चूंकि इस बार आपका फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आप थोड़ा सा बड़ा वाइड मांग टीका यूज कर सकते हैं और उतना ही एलिगेंट छपका भी यूज कर सकते हैं। लास्ट स्टाइल जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है बोर्डा। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही प्रचलन में है, इसके साथ अब आप माथा पट्टी में भी प्ले कर सकते हैं और थोड़ी सी ब्रॉड माथा पट्टी यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके फोरहेड में जगह है। आइए अब कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। ये वो एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान रखना है आपके फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे कि अगर आपका फेस स्क्वायर शेप का है तो आपके चेहरे में ऑलरेडी एंगल्स बने हुए हैं, तो आप ऐसे सभी मांग टीके अवॉइड करें जिसमें एंगल्स हों, जैसे कि स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप। अगर आपका फेस हार्ट शेप का है तो आपका चिन एरिया ऑलरेडी पॉइंटेड है, तो आप ऐसा कोई भी मांग टीका ना पहने जो कि इसी शेप का हो, जैसे कि टीयर शेप या ड्रॉप शेप का जो रिवर्स शेप होता है, अगर आप वो पहनेंगे तो आपके ऑलरेडी पॉइंटेड चिन को ये और ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। अगर आपका राउंड फेस है, कम्प्लीटली राउंड फेस, तो आप हैवी माथा पट्टी और साथ में हाई राइज चोकर, ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ मत ट्राई कीजिए, क्योंकि इससे आपके ओवरऑल पर्सनालिटी का लेंथ का प्रोजेक्शन बिल्कुल निल हो जाएगा और आप एक राउंड डॉल लगोगे, जो कि ऑफ कोर्स आप नहीं चाहते हो। इन सभी फेस स्ट्रक्चर्स में जो गौर करने वाली बात है वो है आपका नेक स्ट्रक्चर। हम इस पर एक ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं जिसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने लिए अपने नेक स्ट्रक्चर के हिसाब से बेस्ट ब्राइडल ज्वेलरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगली केस स्टडी लेते हैं जहाँ पर आपका फेस लॉन्ग है पर आपका फोरहेड स्मॉल है। जब मैं लॉन्ग फेस की बात करता हूँ तो इसमें आपका ओवल फेस शेप और डायमंड फेस शेप दोनों ही इन्वॉल्व हो जाएंगे। अंडरलाइन प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, चूंकि अब आपका फेस लॉन्ग है तो किसी भी स्टाइल का मांग टीका आप पे बेस्ट सूट करेगा, जैसे कि राउंड शेप का हो, चांद शेप का हो या एंगुलर हो, ऑल विल लुक गुड अपॉन यू। माथा पट्टी हम ऐसी सिलेक्ट नहीं करेंगे जिससे कि हमारा स्मॉल फोरहेड ढक जाए। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन होगी कि एक स्मॉल स्टाइल का मांग टीका का शेप कुछ भी हो सकता है, उसको आप सिंगल लाइन या लाइट माथा पट्टी के साथ एक्सेसराइज करिए, बहुत सुंदर लगेगा। सेकंड है आप बिग राउंड मांग टीके के साथ या बिग एंगुलर मांग टीके के साथ हैवी माथा पट्टी ट्राई करिए, बट चूंकि आपका फोरहेड स्मॉल है इसलिए वो हैवी माथा पट्टी को आप ट्राई करिए कि वो आपके हेयरडू के ऊपर से हो। थर्ड स्टाइल है बोर्डले के साथ। चूंकि आप बोर्डला पहन सकते हैं, आपका फेस कट लॉन्ग है, बोर्डले को आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं बट विद अ लाइट माथा पट्टी, क्योंकि आपका फोरहेड स्मॉल है। फोर्थ स्टाइल आप ट्राई कर सकते हैं मांग टीका और छपके का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी आप मांग टीका बहुत हैवी मत रखिए बिकॉज आपका फोरहेड कंसिडरेशन है, बट छपका आप जितना एलिगेंट और बड़ा रखेंगे, यानी इसका प्रोपोर्शन अगर 1:2 भी होगा, यानी कि अगर ये छोटा है तो ये आपका छपका साइज जो है बड़ा हो, तो ये बहुत ज़्यादा खिल के आएगा। आइए अपने चौथे और फाइनल केस की बात करते हैं जहां पर आपका फेस लॉन्ग है और आपका फोरहेड भी ब्रॉड है। खुश हो जाइए, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, द वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड। जो स्टाइल चाहिए, जैसा मन है वैसे स्टाइलाइज करिए अपने आप को। रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से रहेंगे अगर आप बिग राउंड माथा पट्टी बिग राउंड मांग टीके के साथ ट्राई करना चाहें, बहुत सुंदर लगेगा। बिग राउंड मांग टीका विद लाइट माथा पट्टी ट्राई करना चाहें, ये भी बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप कोई एंगुलर शेप का मांग टीका
बड़ा या छोटा ट्राई करना चाहते हैं विद माथा पट्टी, ये भी बहुत खूबसूरत रहेगा, बट ये सिर्फ ओवल फेस शेप वालों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। डायमंड फेस शेप वालों का जॉ स्ट्रक्चर थोड़ा सा वाइड होता है, इसीलिए एंगल कैन क्रिएट अ मेस। बोर्डला विद हैवी माथा पट्टी आप ट्राई कर सकते हैं। आप चांद शेप यानी मून शेप का बिग टीका ट्राई कर सकते हैं। चांद शेप का टीका विद हैवी माथा पट्टी भी ट्राई कर सकते हैं। आप मांग टीका एंड छपका, एंड दिस टाइम मांग टीका कैन बी बिग एंड छपका कैन बी इवन बिगर, एवरीथिंग विल लुक गुड अपॉन यू। द ओनली थिंग लॉन्ग फेस वालों को ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपका फेस ऑलरेडी लॉन्ग है, तो ट्राई करिए अपने हेयर स्टाइलिस्ट को बोलने के लिए कि वो और ज़्यादा बाउंस ऐड ना करें। इससे आपका फेस जो पहले से ही लंबा है वो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और परफेक्ट चीज़ों को बिगाड़ना अच्छी बात नहीं होती है। वेल आई श्योरली होप दैट अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने फेस स्ट्रक्चर और फोरहेड टाइप के हिसाब से बेस्ट मांग टीका स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो सीरीज हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट ब्राइडल ज्वेलरी एज पर योर पर्सनैलिटी टाइप का ये थर्ड वीडियो है। पहले दो वीडियोस जहाँ पे हमने बात करी हाउ यू कैन सिलेक्ट द बेस्ट ब्राइडल ज्वेलरी एज पर योर फेस कट एंड योर नेक स्ट्रक्चर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस सीरीज का अगला वीडियो होगा हाउ यू कैन सिलेक्ट द परफेक्ट ब्राइडल ईयरिंग एज पर योर फेस कट एंड नेक स्ट्रक्चर, जो कि अगले थर्सडे को आएगा। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको हमारे ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट रेगुलरली मिलते रहें। वेल दिस इज सौमित्र योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।